तो इस पांच पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना है एंड पंच करना है। अरे कहना क्या चाहते हो, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल जाए आसानी तरीके से नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। एक परफेक्ट तरीके का पांच करने के लिए एक चीज जो है आपको ख्याल में जरूर रखना चाहिए, जो हाउ टू मेक योर फिस्ट, किस तरह से फिस्ट को पकड़ना है ये आपको जरूर आना चाहिए। जब हम फिस्ट को पकड़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से पकड़ेंगे, किस तरह से पकड़ेंगे, ये जो हमारा हाथ है इस तरह से आएगा एंड इस तरह से आने के बाद ये जो उंगली है इसके ऊपर आराम से आएगा एंड ये जो जब हम फिस्ट पकड़ेंगे हाथ की यहाँ पे नीचे हमारा कोई गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर गैप आ जाता है तो आपका जो फिस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, यहाँ पे हाथ के नीचे कोई गैप नहीं आना चाहिए एंड इस तरह से मजबूत तरीके से आपको फिस्ट को पकड़ना है, ठीक है। और जो फिस्ट इस तरह से भी नहीं पकड़ना है, इस तरह से भी नहीं पकड़ना है, इस तरह से भी नहीं पकड़ना है, फिस्ट को पकड़ना है बिल्कुल आसान तरीके से इस तरह से, ठीक है। जब हम पांच करते हैं, पांच करते टाइम हमें यह ध्यान रखना चाहिए, जैसे अगर हम मिडिल में पांच करते हैं, ठीक है, मिडिल में पांच करते टाइम हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पांच जो इधर उधर ऐसे ना जाए। अगर ऊपर में पांच करते हो तो इधर उधर ना जाए, नीचे इधर उधर ना जाए, एक पैरेलल पर्टिकुलर टारगेट होना चाहिए। किस तरह से टारगेट होना चाहिए, जैसे फेस के ऊपर पांच करना प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें टारगेट पॉइंट हमें क्या रखना चाहिए, ये जो नोज है, नोज के सीधा यहाँ पे हमारा टारगेट पॉइंट रहना चाहिए। तो हम उस नोज पे टारगेट पॉइंट रख के इमेजिन करके उस नोज पे हम अटैक करेंगे। दूसरे बात, अगर हम मिडिल पे अटैक करते हैं, मिडिल पे पांच कर रहे हैं तो यहाँ पे सोलर पिक्सल दिया हुआ है, ये सोलर पिक्सल है हमारे बॉडी का, मतलब ये सोलर पिक्सल के टारगेट फिक्स्ड रख के आपको पांच करना है, ठीक है। और इस तरह से किसी एक पर्टिकुलर टारगेट पॉइंट को रख के आपको पांच करना है और हिट करना है। नेक्स्ट बात आता है एंगल ऑफ योर हिस्ट। जब हम पांच करेंगे, हम जब पांच करेंगे तो हमारी ये दो नकल, इस दोनों नकल से पांच करना है, किसी के ऊपर हिट करना है। अगर हम पांच करते तो ये जो दो नकल है इस दोनों नकल से हिट करना है, ना कि ये तीन नकल से। इस तीन नकल से हमें हिट नहीं करना है, हमें इस दो नकल से हिट करना है, ठीक है, ताकि हमारा जो हैंड एक पैरेलल लाइन में आए और हमारा जो है ये रिस्ट इस तरह से नीचे भी नहीं आना चाहिए। अगर नीचे आके किसी को हम पंच करेंगे तो हमारा जो रिस्ट इंजर्ड होने की संभावना है। अगर नेक्स्ट हैंड ऑफ योर पोजीशन, जब हम किसी को ऐसे हिट करते हैं ना, हिट करते टाइम ये जो हमारा हैंड, अब ये हैंड हमारा किधर आना चाहिए, ये हैंड हमारे इस तरह से, इसके ऊपर इस तरह से हमारे यहाँ पे आना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं रहना चाहिए, हैंड हमारा यहाँ पे इस तरह से रहना चाहिए। और ये हमारा जो एल्बो है, एल्बो बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, एल्बो इस तरह से पीछे की तरफ एकदम एडजस्ट इस तरह से रहना चाहिए। जब हम किसी के ऊपर पंच करेंगे तो इस तरह से हमारा जो है हैंड पोजीशन यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए, हमारा हैंड पोजीशन सीधा इस तरह से एंड ये वाला पोस्चर मेंटेन करके आपको पंच करना है, हैंड यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट जो है फाइनल पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा जो हैंड बिल्कुल जितना हो सके करीब से आए, ठीक है, जितना हो सकता है हमारा हैंड उतना करीब से जाए एंड आए, ठीक है, ये आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम पांच कर रहे हैं हैंड टारगेट इस तरह से आ रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, हमारा हैंड जितना हो सके उतना करीब से लाना है एंड पांच करना है, उतना करीब से लाना है एंड पंच करना है। ऐसा नहीं है कि इतना भी करीब से लेके और टक्कर हो जाए, टक्कर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन और करीब जितना भी करीब ले आ सकते उतना करीब लेके आना है, ठीक है। क्या बात है, तो इस पांच पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना है एंड पंच करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।